सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शुक्रवार को आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाना क्षेत्र के निजामुद्दीन पट्टी सिंदूरी गांव पहुंचे, जहां मीडिया से मुखातिब होते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को जमकर लताड़ दिया। अखिलेश ने कहा कि देश भर में जब से मोदी सरकार आई है तब से 1,00,000 किसानों की मौत हो गई है, इसका जिम्मेदार कौन है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा की सरकार ने नोटबंदी करते हुए दावा किया कि भ्रष्टाचार का अंत होगा, आतंकवाद का अंत हो जाएगा, तो भाजपा की सरकार क्यों नहीं बताती कि झारखंड में 300 करोड़ कहां से मिल गए। अखिलेश ने भाजपा पर एक एक करके ऐसे सवाल उठाए हैं जिसका असर आगामी चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा शगुफा छोड़ती है, झूठ बोलती है। उन्होंने कहा कि योगी मोदी की सरकार ने किसान और जवान दोनों की कमर तोड़कर रख दिया है, ये सरकार किसी की हितैषी नहीं है। वही ईवीएम को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में अखिलेश ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है तो इसको जरूर बैन किया जाएगा। अखिलेश ने कहा कि इसकी विश्वसनीयता पर जब प्रश्न चिन्ह लगे तो कई सारे देशों ने ईवीएम को बैन कर दिया, तो यहाँ पर जब ईवीएम पर बार बार प्रश्न चिन्ह लग रहा है, सवाल उठ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं दाखिल हो रही हैं, तो इस पर क्यों नहीं फैसला हो रहा है। अखिलेश ने आमजन को संदेश देते हुए कहा कि अगर सत्ता में बीजेपी आ गई तो वोट देने का अधिकार भी छीन लेगी। अखिलेश ने एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए जमकर योगी सरकार पर हमला भी बोला और कहा कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली योगी सरकार क्यों नहीं बताती कि प्रदेश भर में जो अपराध हो रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है, आखिर कानून व्यवस्था इतनी खस्ता हाल क्यों हो गई है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा को सत्ता से बाहर करना है तो जन जन तक इनके कारनामों को पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि ये आज भी जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हटाने का मतलब है देश से बीजेपी का हटना, 80 हराइए बीजेपी हटाइए, इस नारे पर समाजवादी पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। अखिलेश ने एक बार फिर से इस बात पर जोर दिया कि पीडीए ही एनडीए का मुकाबला करेगा। ऐतिहासिक परिणाम का इंतजार पूरे देश को भी है। उत्तर प्रदेश आने वाले चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि जनता निर्णय लेगी और भारतीय जनता पार्टी का सफाया उत्तर प्रदेश से होगा। इसीलिए कई बार इस बात को समाजवादियों ने भी कहा और गठबंधन की तरफ से इस बात को कहा गया कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हटाने का मतलब है देश से बीजेपी को हटना, 80 हराइए बीजेपी हटाइए, इस नारे पे समाजवादी लोग लगातार काम कर रहे हैं। पीडीए ही मुकाबला करेगा एनडीए का और जो पिछले वादे किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, किसानों की आय दोगुनी होना, नौजवान को नौकरी और रोजगार मिल जाना, आज कम से कम इनको बताना चाहिए कि इतने लोगों को नौकरी दी है इन्होंने, इतने लोगों को रोजगार मिल गया है। आज बाजार में 70% से ज़्यादा कैश फ्लो कर रहा है, पहले से ज़्यादा कैश आज मार्केट में है। जिन लोगों ने ये कहा कि नोटबंदी होने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आपने हमने सब ने तस्वीरें देखी हैं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तमाम अपने यूट्यूबर्स को और चैनल के लोगों को जिन्होंने झारखंड में जो पैसा पकड़ा गया उसकी तस्वीरें उसकी वीडियो दिखाई। तो आखिरकार किसका फेलियर है ये जो सरकार ने नोटबंदी की हो और उसके बाद 300 करोड़ से ज़्यादा पैसा निकल, एनसीआरबी का आंकड़ा पलट गया। आप जब से इनकी सरकार आई है 1,00,000 किसान आत्महत्या कर चुका है, इन तमाम मुद्दों पर 1,00,000 किसान आत्महत्या कर चुका है। तो ये तमाम वो सवाल हैं जो समाजवादी पार्टी लगातार जनता के बीच में ले जा रही है। हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक पहुंचा रहे हैं, संगठन की बैठक करके आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं उनको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आपको वोट डालने का अधिकार भी छिन जाएगा, पत्रकार साथियों सच बोलना सच चलाना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, अगर आपने सच दिखाया तो आप पे मुकदमा हो जाएगा। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।